अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. कैसे हैं आप सभी? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं और कौन कौन मेरे साथ सुबह उठ गया है वोकैब के सेशन के लिए. जैसा कि आप जानते हैं, ये जो वोकैब का सेशन है आपका द हिंदू वाला चल रहा है. दैट मीन्स कि हर एक एग्जाम में यहीं से ही वोकैब पूछी जाने वाली है. इस एक वोकैब के सेशन में आपको सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सारी चीज़ें एक ही में प्रैक्टिस हो जाती हैं. तो ये सेशन लेना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है और इस सेशन को लाइक और शेयर करना मैंडेटरी है ना. अगर वो कैब पढ़ रहे हो मेरे साथ तो तुम्हें मैंडेटरी का मतलब पता है. चलो लेट्स स्टार्ट. सो आर फर्स्ट वर्ड इज इम्पेरेटिव. इम्पेरेटिव आपको पता है इंग्लिश में हमने किए हुए हैं. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जो आदेश देते हैं, है ना, कोई रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, विनती होती है, एडवाइस होती है, सुझाव होता है. तो ये वही है कि अगर इम्पेरेटिव लिखा है तो यानी कि मतलब वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी. क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि कमांड या ऑर्डर आया है तो वही करना ही पड़ेगा. तो वो चीज़ क्या हो जाती है आपके लिए? मैंडेटरी, जैसे कि अभी बताया, ऑब्लिगेटरी, कंपल्सरी, है ना. ये तीनों वर्ड्स एक साथ चलते हैं. अभी तक हमें पता चल गई है ये चीज़. तो इम्पेरेटिव का क्या मतलब है? कोई भी चीज़ जो अनिवार्य हो, है ना, नेसेसरी हो, ऑब्लिगेटरी हो, मैंडेटरी हो, मैं बोलूँ कंपल्सरी हो, है ना, अनअवॉइडेबल हो, ऐसी वाली चीज़ें. अगर वो करो ना करो आपकी मर्जी है, तब क्या हो जाएगा? ऑप्शनल हो जाएगा, है ना, कि ऑप्शनल है, करो तो करो, ना करो तो ना करो. चलो नेक्स्ट है इंडिजेनस. इंडिजेनस को हम कैसे याद रखने वाले हैं? हम इसको याद रखने वाले हैं इंडी आ से, है ना. हमारे देश का नाम क्या है भाई? इंडिया. इंडिया से ही हम इसको याद रखने वाले हैं. इंडिया से क्या? स्वदेशी. इंडिया हमारे लिए, इंडिया की जो चीज़ें हैं, जो नेटिव चीज़ें हैं, लोकल चीज़ें हैं, वो हमारे लिए क्या हैं भाई? स्वदेशी हैं. ठीक है, तो उसी से हम इसको याद रखेंगे, स्वदेशी या नेटिव, जहाँ से आप रह रहे हैं, जहाँ के आप नेटिव लोग हैं वो. ठीक है, लोकल है, वहाँ पे लोकल है, अर्लीस्ट है, सबसे पहले वहीं का था, तो वो होते हैं इंडिजेनस. नेक्स्ट है सोफिस्टिकेटेड. सोफिस्टिकेटेड का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा इंसान जो बहुत ही ज़्यादा अनुभवी हो, जिसको पता हो कई चीज़ों के बारे में, पता हो कहाँ कैसे बिहेव करना है, है ना, बहुत ही मैनर वाला इंसान हो, वो जो होगा उसको बोलते हैं हम सोफिस्टिकेटेड. ठीक है, जटिल का मतलब है कि जो कॉम्प्लेक्स हो, जो ऐसे ही नहीं कि इधर उधर भाग रहा है, ऐसे ही नहीं बच्चों की तरह, अच्छे से एक जेंटलमैन, एक लेडी की तरह जो कंपोजर रखते हैं वो. ठीक है, एक्सपीरियंस है, अनुभवी है, एनलाइटेंड है, काफ़ी चीज़ों के बारे में उनको नॉलेज है, रिफाइंड है, मतलब बिल्कुल बेस्ट हैं वो अपने उसमें. नेक्स्ट इसका एंटोनिम क्या है भाई? अनसोफिस्टिकेटेड, अन लगा दिया, एंटोनिम बन गया. नेक्स्ट है शॉडी. शॉडी एक होता है शैबी, उससे याद रखेंगे इसको. वो क्या होता है? डर्टी. शैबी क्या होता है भाई? डर्टी, डर्टी क्लोथ्स, है ना. तो वो जो है उसी से याद रखेंगे कि कोई भी चीज़ जो अच्छी ना हो क्वालिटी में. क्वालिटी में कैसी हो? इन्फीरियर हो. ठीक है, क्वालिटी चीप क्वालिटी है. ट्रैशी. ट्रैशी का मतलब क्या है? अगर आप किसी चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते तो ऑफकोर्स आप उसको कचरे के डिब्बे में डाल दोगे. कचरे का डिब्बा होता है ट्रैश कैन. ट्रैश उसमें डलता है, ट्रैशी उसी से ही रिलेटेड. एंटोनिम क्या हो गया भाई? बहुत अच्छी तरीके से बनाया हुआ है, वेल मेड है, केयरफुली बनाया गया है, बहुत ही ध्यान से कोई चीज़ बनाई गई है. नेक्स्ट है फ्लेजलिंग. फ्लेजलिंग का क्या मतलब है? जैसे अभी पढ़ा था सोफिस्टिकेटेड, कि उसको बहुत अनुभव है, बहुत जगह की, बहुत चीज़ों की क्या है? नॉलेज है. फ्लेजलिंग क्या है आपका? कोई भी ऐसा इंसान जो अभी सीख रहा है चीज़ों को, अनुभव नहीं है, अनुभवहीन है, इनएक्सपीरियंस है, इमर्जिंग है, अभी चीज़ों को सीख रहा है ना, टायर हो, अभी चीज़ों को सीख रहा है, अभी उसको ज़्यादा कुछ नहीं आता. एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई? एग्जैक्ट एंटोनिम एक्सपीरियंस्ड है. नेक्स्ट है थॉट. थॉट का क्या मतलब है? किसी भी चीज़ को बिगाड़ना, खराब करना, है ना, डेमोलिश होता है, अबॉलिश होता है. ये सारी चीज़ें क्या हैं? आपकी डैमेज करने वाली चीज़ें जो हानि पहुंचा सकती हैं, हार्म, है ना, हिंडर कर सकती है, बाधा डाल सकती है. एंटोनिम क्या हो जाएगा? कोई बिगड़ी हुई चीज़ है उसको आप सही कर रहे हो या बेटर पोजिशन में ला रहे हो. सही कर रहे हो, रिपेयर कर रहे हो, बेटर कर रहे हो, तो इम्प्रूव.
आज ब्राइटनेस थोड़ी है ज़्यादा, है ना? आई होप आपको सारी चीज़ें दिख रही होंगी जी। चलिए नेक्स्ट है प्री साइड। अब इसको क्या करेंगे, साइड और प्री मतलब पहले साइड में हो कोई, तो वो कौन है? आपका सुपरवाइजर, जो पहले साइड में कोने में कोई बैठा होता है वो कौन होता है? कोई टीचर जो आपको सुपरवाइज करने के लिए बैठा हो। एग्जाम होता है, कई टीचर्स होते हैं ना लास्ट में जाके बैठ जाएंगे, या कहीं भी पहले से होते हैं टीचर्स, ठीक है? तो वो क्या है, आपको सुपरविजन के लिए, ठीक है भाई, सुपरवाइज करने के लिए कोई चीज़, एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, जैसे इन्विजिलेटर्स होते हैं, सुपरिंटेंडेंट है ना, सुपरवाइजर है, गाइड है, कोई भी है जो पहले से ही साइड में खड़ा हो। नेक्स्ट है कोजी। कोजी तो देखो आप सभी को पता होगा, आई गेस, कोजी विंटर्स मतलब जब कोजी विंटर्स में कंबल के अंदर घुस जाते हो, फिर गरम गरम अच्छा सा, है ना, गर्माहट आती है, कंफर्टेबल फील करते हो, वो होता है कोजी, ठीक है? कंफर्टेबल हुआ, बहुत वार्म हो, रेस्टफुल पोजीशन में हो, कि कोई भी स्ट्रेस नहीं है, है ना, प्लीजेंट, अच्छी पोजीशन है। अनकंफर्टेबल भाई, आप कंफर्टेबल नहीं हो। नेक्स्ट है क्रोनी। क्रोनी का क्या मतलब है, इसको करेंगे क्लोज, है ना, कोई भी जो आपका क्लोज फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, उनको बोल सकते हैं क्रोनी, कंपेनियन, है ना, आपका साथी है, है ना, फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, घनिष्ठ, जैसे लिखा ना, घनिष्ठ मित्र है वो आपका, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट, अब आपके आ गए हैं इडियम फ्रेजेस। इडियम फ्रेजेस अब आपके आ गए हैं, और इसमें फर्स्ट है आपका कटिंग कॉर्नर। कटिंग कॉर्नर देखो जैसे ऐसे है, मान लो कोई पेज है, ठीक है, अब इसके कॉर्नर कट कर दिए, तो क्या मतलब, होना तो भाई ये ऐसे ही चाहिए था ना कॉर्नर्स वाला, लेकिन हमने इसको ऐसा बना दिया, और जब हमने इसको ऐसा बना दिया तो हमने पेपर भी बचा लिया, है ना, पैसे भी बचा लिए, एफर्ट्स वगैरह सब कुछ बचा लिए ये काट कर। तो वही है कि आप जिस तरीके से कोई काम होना चाहिए, जिस तरीके से कोई काम होना चाहिए उस तरीके से ना करके, टाइम, एनर्जी, मनी सब कुछ बचा कर एक तरीके से जब चीज़ करते हो, उसको बोलते हैं कटिंग कॉर्नर्स, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखेंगे आयरन आउट। आयरन आउट का मतलब जैसे कि ये शर्ट या कोई भी, मान लीजिए कोई भी चीज़ है, ये है ना टी शर्ट है, ये इस पर अभी ऐसे ऐसे सिलवटें हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इस पर आयरन कर देंगे मतलब प्रेस मार दोगे, तो ये सिलवटें हट जाएंगी, तो ये सिलवटें हट जाएंगी, ये ऐसा हो जाएगा, मतलब आपने क्या किया भाई, समस्या का समाधान कर दिया आपने, कोई भी चीज़ थी वो सॉल्व कर दी, ठीक है। रिजॉल्व करना, ब्रिंग टू एन एंड, मतलब कोई अगर आपकी किसी से बहस हो रखी थी, लड़ाई हो रखी थी, वो अब आपने खत्म कर दी, आयरन आउट कर दी, वो लड़ाई क्या है, ये सिलवटे। नेक्स्ट है स्टेव अवे। स्टेव अवे को हम पढ़ेंगे सेव अवे, है ना, कुछ होने से बच गया, मतलब हो सकता था आपको हानि हो जाती लेकिन हम बच गए, सेव अवे। स्टेव अवे को हम पढ़ेंगे सेव अवे, क्या मतलब, कोई भी बुरी चीज होने से बचा लेना, प्रिवेंट समथिंग बैड फ्रॉम इफेक्टिंग। नेक्स्ट है बीफ अप। देखो अप वाली चीज़ है ना, तो अप वाली चीज़ या तो कोई इंक्रीज होने का होगा, है ना, या तो कोई तेज़ी वाली चीज़ होगी, कोई इम्प्रूवमेंट वाली चीज़ होगी अप में, है ना, कोई चीज़ ऐड करने वाली चीज़ होगी, यही होती है और कोई नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या है कि स्ट्रेंथ आप और ज़्यादा कुछ उसमें डालकर किसी चीज़ में आप उसकी मजबूती बढ़ा रहे हो। नेक्स्ट है बम्प इनटू। एक बार बहुत पहले कराया था बम्प इनटू, है ना, किसी को देख रहे हो और जाते जाते सामने खंबा था, देख रहे हो उधर, चले जा रहे हो सीधा, और सीधा खंबा के सर पे लगा, तो वो जो बम्प हो जाता है, मोटा मोटा सा लड्डू उठ जाता है, वो क्या है, बम्प इनटू मतलब टकराना। अगर हम इसको इडियम फ्रेज में करें, बम्प इनटू मतलब किसी से अचानक मिल जाना, अचानक टकरा जाना, ठीक है भाई, टू मीट सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली। नेक्स्ट है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पेस्टर। पेस्ट क्या होते हैं भाई, देखो कीड़े मकोड़े जो चिपकी जाते हैं, है ना, पेस्ट, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। तो ऐसे ही कोई इंसान जो चिपकी गया आपको परेशान करने में, तो उसको बोलेंगे हम पेस्टर। अनॉय समबडी बाय आस्किंग हिम और हम समथिंग मेनी टाइम्स, जैसे एक ही चीज बार बार पूछ पूछ के चिपक गए हो उसके पीछे। नेक्स्ट अडल्ट्रेट। जब भी किसी खाने की या पीने की चीज़ में कुछ मिलाकर उसकी क्वालिटी को गिराया जाता है, वो होता है अडल्ट्रेट। नेक्स्ट है स्मग। स्मग का मतलब हम इसको
सेल्फ से रिलेट करेंगे, कौन है जो आत्म संतुष्ट हो, स्मग कौन है जो आत्म संतुष्ट हो, सेल्फ सेटिस्फाइड हो, ठीक है भाई, टू प्लीज्ड विद सेल्फ या सेल्फ सेटिस्फाइड, अपने से बहुत ही ज़्यादा खुश है ना, आत्म संतुष्ट है, सेल्फ सेटिस्फाइड है। चलिए भाई आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड अटेंडिंग द सेशन, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक किए बिना कोई भी नहीं जाएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना है, ऑफलाइन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा, फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब करना है आपको प्रेपकर चैनल को ताकि आपको आने वाले क्लासेस की, आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। प्रेपकर ऐप को भी आप लोग डाउनलोड करेंगे, वेरियस बैचेस हैं उसमें, स्पोकन का भी है, आपके लिए लेखपाल वगैरह के भी बैचेस हैं, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो आप ले सकते हैं, डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। और जिसको मेरे साथ जुड़ना है, कोई डाउट है तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं, ये एक ग्रुप है टेलीग्राम पे, यहाँ से आप मुझे पर्सनल पे मैसेज कर सकते हो, कोई डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, प्लस यहाँ आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन वगैरह भी मिल जाएगी। वो कैप बकेट भाई डेली 8 बजे सुबह दिख रहा है जी, डेली 8 बजे सुबह आपकी वो कैप बकेट, इंग्लिश की जो हम अभी कर रहे हैं मॉडल टेस्ट पेपर मिक्स्ड टेस्ट, वो डेली 2 बजे, ठीक है भाई। चलिए अब मैं आपसे मिलूँगी कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।